हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ट्रेनिंग सीरीज, और ये ट्रेनिंग सीरीज पे मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि प्राइस ब्रेकआउट या प्राइस ब्रेकडाउन जब होता है तो ऐसे चार्ट्स में कौन से पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें कौन से बाय साइड में जाना है या सेल साइड में जाना है। सो गाइस, ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं प्राइस ब्रेकआउट के, वो पैटर्न्स मैं आपको इस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर समझाने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ कम से कम 5 से 6 वीडियोस अपलोड करूंगा, और हर 2 या 3 दिन में वीडियो अपलोड होगी। जो सबसे पहली वीडियो अपलोड हो रही है वो पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर हो रही है, जिसका नाम है मेजर्ड मूव। गाइज, ये जो एक पैटर्न है ये कुछ बहुत से सेक्टर्स के अंदर या उस सेक्टर के पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर डेवलप हो चुका है, और उस पर मैंने अपने क्लाइंट्स को कॉल्स भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। सो गाइज, ये कौन सा पैटर्न डेवलप हुआ है ऐसा कि हम इसमें एक प्राइस ब्रेकआउट या प्राइस ब्रेकडाउन देख सकते हैं, और उस पर हम दोनों तरीके की तरफ यानी कि बाय साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं और सेल साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखते रहते हैं तो गाइज उस पर मैं स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स भी अब डालने लगा हूँ, यानी कि मैं आपको हर वीडियो पे 2 या 3 कुछ कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ कि आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं 2 या 3 दिन के पर्पज से, और आपको बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। और गाइज, हो ये रहे कि मैं ये पैटर्न्स को देखकर कर रहा हूँ, और ये हमें नेक्स्ट डे ही वो टारगेट को अचीव करवा देती है, 2 दिन तक भी हमें वेट नहीं करना पड़ता। और अब मैं, आप देख रहे होगी कि मेरे पास बहुत से कॉल्स भी आ रही है, मुझे बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर, मैंने आपके इन ट्रेड्स पे काम करा था, मुझे बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ, मेरे पास जो डिमांड है, जो ये टीचिंग की है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूं, और जो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो 25,000 की एक फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, और मैं उन लोगों को भी सिखाना शुरू करूं कि आगे जाके जब उन लोगों को खुद अपने आप से ट्रेड लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल ट्रेड लेना पड़ेगा, तो गाइज वो लोग हिचकिचाएंगे नहीं, किसी के पीछे भागेंगे नहीं, और खुद आराम से ट्रेड लेके समझ के ऑब्जर्व करके वो अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं आपके लिए पैटर्न लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ मेजर्ड मूव। इसको समझाने के लिए जो भी मैं पैटर्न समझाऊंगा, कम से कम 5 से 6 पैटर्न होंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलरली अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा मैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी और आपके लिए ट्रेनिंग सीरीज लानी चाहिए जो आपको बहुत अच्छा खासा फायदा करवा सकती है, या आपको जो लर्निंग एजुकेशन में बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा सकती है। गाइस, हमारे लिए सबसे पहला काम नॉलेज गेन करना है, और उसके बाद पैसा कमाना है, क्योंकि गाइस अगर हम नॉलेज नहीं कमा पाएंगे तो पैसा तो हम जितना कमा लेंगे, पर पैसे को सही जगह लगाने के लिए या पैसे को देखने के लिए हमारे पास वो नॉलेज नहीं होगी, उसके लिए भी हमें लोगों को रखना पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले नॉलेज कमाओ, नॉलेज से ही आप पैसे कमा पाओगे। सो गाइस, आपको मैं मेजर्ड मूव के बारे में कैसे समझाऊंगा, सबसे पहले हम चार्ट्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको पेंट्स में लेकर जाऊंगा। पेंट के अंदर मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि मेजर्ड मूव पैटर्न बनता किस तरीके से है, अगर बुलिश है तो बुलिश मेजर्ड मूव कैसा बनेगा, या बियरिश है तो वो किस तरीके से बनेगा। और गाइस, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा और कौन सी कंपनी पे ऐसा बना हुआ है या कौन सी कंपनीज में ऐसा बना हुआ है मेजर्ड मूव पैटर्न, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में रिसर्च करेंगे कि ऐसे हमें फिबोनाची में क्या लगाना चाहिए या कौन सी ट्रेंड लाइंस को बनाना चाहिए कि ये मेजर्ड मूव पैटर्न बन जाए और हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर पाए। और गाइज, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको बहुत से पैटर्न्स के बारे में जो पता चलेगा वो गाइज बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और बेल आइकन को नहीं दबा रखा, सो गाइज वीडियो को पॉज करके पहले जाके उन्हें क्लिक कर लो, क्योंकि जो मैं ये वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी जो नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले इसका लाभ उठा सकेंगे। सो गाइज, मैं जो आपको पेंट्स में बताने वाला हूँ, मैं उसमें थोड़ा बहुत सही नहीं हूँ पेंट्स करने में। सो गाइज, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, पेंट में थोड़ी बहुत लाइन उल्टी सीधी बन सकती है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। सो गाइज, बढ़ते हैं पेंट्स की तरफ। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पेंट्स ओपन करके रखा हुआ है, और इस पर मैंने पहले से ही चार्ट बना लिया है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूम करता ये पैटर्न इस पेंट्स के अंदर डेवलप होने में। सो गाइज, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिखाई, मूवमेंट दिखाने के बाद मार्केट में एक अपमूव आई है, और अपमूव के बाद आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि ये यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ
और डाउन ट्रेंड पे ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है, उसके बाद हम देखते हैं दोबारा नीचे जाता है, अपने लो को जो ब्रेक कर देता है यानी कि लोअर लोस, और आखिरी में जाके ये यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार मैंने बना रखा है, यहाँ पर एक बार बन रखा है, और इधर आप देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर तीन बार इसने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट क्यों करा और उसके बाद जाके चौथे पे इसने अपनी ब्रेकआउट क्यों दी, गाइज इसके पीछे भी एक रीजन है। तो गाइस यहां से जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट हमें जो लेकर जा सकता है वो अपने प्रीवियस हाई पोल की तरफ लेकर जा सकता है, यहां तक मार्केट जा सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहां पर मार्केट जाने के लिए। सो गाइस ये से हम कहते हैं बुलिश मेजर्ड मूव। गाइस बिल्कुल सेम तरीके का एक बियरिश पैटर्न भी होता है मेजर्ड मूव का, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, उस पर भी आपको मैं दिखाता हूं, फिर हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक और बियरिश पैटर्न डेवलप कर दिया है जिसमें मार्केट ऊपर है, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक करेक्शन आती है, करेक्शन आने के बाद हम देखते हैं ये स्टॉक ऊपर जाता है, वापस ये नीचे आ जाता है और अपने प्रीवियस जो स्विंग लो है उसे ब्रेक नहीं करता, दोबारा ये ऊपर जाता है, अपने हाई को ब्रेक कर देता है, फिर नीचे आता है, स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता प्रीवियस, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। गाइस सबसे पहले आपको ऑब्जर्व जो इसमें करना है, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ से हटा दीजिए, ये जो मैंने पोल बना रखा है और ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, अगर आप इसे हटा दीजिए और सिर्फ आप ये जो पैरेलल लाइंस के अंदर ये जो चार्ट चल रहा है आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, तो गाइस आप देखेंगे कि ये हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। तो अगर इसी के हिसाब से अगर हम चलते और यहाँ से मार्केट अगर ये स्टॉक टूट जाता, सो गाइस हमारे लिए ये पैटर्न या टेक्निकल जो चार्ट है ये फेल हो जाता। और गाइस आप लोग समझते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कभी कभार फेल हो जाते हैं, पर गाइस अगर आप ये पोल बना लेते तो आपको पता चल जाता कि ये गाइस एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है, बियरिश मेजर्ड मूव बना हुआ है और यहाँ से मार्केट ड्रॉप लेगी, क्योंकि गाइस इस पैरेलल लाइन के ऊपर हमें लग रहा है कि ये हायर हाइज बना रहा है तो ये अप ट्रेंड में है, पर गाइस ये अप ट्रेंड में नहीं है, ये एक बियरिश पैटर्न की कंफर्मेशन दे रहा है और उस सिग्नल या उस लेवल तक पहुंच रहा है जहां से हम इसको शॉर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और जो हमारे टारगेट्स हैं लोअर लेवल्स पे वो अचीव हो सकते हैं। सो गाइस पहले सबसे पहले मैं आपको यही पैटर्न दिखाना चाहूंगा एक दो स्टॉक्स के ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, क्या हमें ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है और फिबोनाची का यूज करके हम किस तरीके से दोनों तरफ बाय और सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं ये पैटर्न, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश हो। और गाइस उसके बाद मैं आपको दूंगा कि आपको खुद पर्टिकुलर स्टॉक्स को सर्च करना होगा और उस पर ये पैटर्न्स के बारे में ढूंढना पड़ेगा। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहेंगे कि सर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ये पैटर्न मिला है मेजर्ड मूव, तो ये क्या करेक्ट है, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइस फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, क्योंकि जब तक हमारा एक पैटर्न बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो जाता हम दूसरे पैटर्न की तरफ नहीं बढ़ेंगे। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, इसको आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं और आपको आराम से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट चल रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपके लिए चार्ट ओपन करके रखा हुआ है वो है कैन फिन होम्स का चार्ट। सो गाइस इस पे मैंने अपने क्लाइंट्स को भी ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड कराई थी, इस पे भी मैंने उन्हें स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड कराए थे, पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हाँ गाइस हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था क्योंकि एक कुछ पॉइंट्स की वजह से वो स्टॉप लॉस हिट हुआ और आज जाके हमारा उसका टारगेट अचीव हो गया था। सो गाइस वो क्या चीज थी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और गाइस वो गड़बड़ बहुत माइनर थी और वो हमें समझने वाली है, और जब हम समझ गएंगे तो गाइस हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। सो गाइस बढ़ते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन से पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। गाइस सबसे पहली बात, इसमें दो तरीके के पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, पर हम सिर्फ अभी मेजर्ड मूव की बात करेंगे। अब गाइस मैं आपके लिए आराम आराम से इसके अंदर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करूंगा, पोल ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके का मेजर्ड मूव बना है, बुलिश या बियरिश। अब देख सकते हैं गाइस कि यहां से मैंने इसे स्टार्ट करा है, ये कुछ पैटर्न बन रहा है, ये जो इसका टॉप है, इस टॉप को हम ले लेते हैं पोल इसके बॉटम तक, यानी कि ये एक पोल का काम कर रहा है। पोल गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा नहीं हो सकता गाइस, मार्केट क्योंकि बिल्कुल सीधी काम नहीं करती है,
पोल टेढ़ा हो सकता है पर बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से मार्केट वापस फॉल करी है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अब हमें इसके बॉटम को ट्रेंड लाइन से जोड़ना है, इसके टॉप को ट्रेंड लाइन से जोड़ना है गाइस, जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में हमेशा सिखाते आया हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ से सारे बॉटम्स को जोड़ा, क्योंकि गाइस दो बॉटम जुड़ने चाहिए उसके बाद ही एक जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे जोड़ा है, अब हम इसके टॉप को मिलाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने इसके टॉप को जोड़ रखा है और इसके बॉटम को जोड़ रखा है और यहां पर एक पोल बन रखा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट कर रही है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। गाइस उससे पहले आप देखिएगा कि ये बियरिश मेजर्ड मूव बना है या बुलिश बना है। सो गाइस ये एक ही बियरिश मेजर्ड मूव बना हुआ है, यानी कि मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन आया, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, प्रीवियस जो इसके स्विंग लोज हैं और इसके हाईज हैं उनको ब्रेक नहीं करता, और उसके बाद हम यहाँ से एक और अप मूव देखते हैं। तो गाइज इसमें मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बाय रिकमेंड करा था। गाइज बाय रिकमेंड क्यों करा था उसके बारे में भी हम बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूंगा, तो इस लेवल पे, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि 5th ऑफ फेबरी को मैंने अपने क्लाइंट्स को इस पे बाय लेवल रिकमेंड करा था, और गाइज मुझे पता था कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, अपने वापस ये जो इसकी हाई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है इसको टेस्ट जरूर करेगा। और गाइज मुझे क्यों लगा ये इसको टेस्ट करेगा, हो सकता था शायद ये इसको भी ब्रेक कर दे और यहाँ से वापस ये नीचे जा सकता था और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था, पर गाइज हुआ ये कि मार्केट ने ऊपर लिया, नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन पे ही क्लोजिंग दी, बस थोड़ी बहुत डिप दी, जो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर बुक करके या जो बाय करके बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए, क्योंकि गाइज अगर उन्हें पैटर्न के बारे में पता होता तो गाइज उनका ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और वो अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते थे। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कल मार्केट ने पॉज लिया स्टॉक ने और सीधा 20 या 25 रुपए तक ही हमने कैनफिनो में आज मूवमेंट आते हुए देख लिया है। सो गाइज ये हुआ कैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अब ड्रॉ करते हैं, उस पर हमें क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। ये सकते हैं आप, ये पोल का टॉप है, इस टॉप से मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ड्रॉ कर लिया है, पोल हाई पोल से लो तक आप देख सकते हैं कि एक फिबोनाची है। अब हमें इसमें ऑब्जर्व क्या करके चलना है आप उसे ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट बियरिश या बुलिश मेजर्ड मूव कब बनती है, जब फिबोनाची के लेवल्स उसको रिस्पेक्ट देते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखते होंगे उसमें मैं आपको फिबोनाची के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये 3% कौन सी है और ये कितनी मायने रखती है हमारे लिए। गाइस 61.8%, 50% और 38.2%। अब हमें ध्यान से चार्ट को ऑब्जर्व करना है और मेरे साथ देखिएगा कि किस तरीके से ये रिएक्ट कर रही है। पोल बनाया मार्केट ने, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में एक अपमूव आई है, आपको मैं वापस एक बार लेकर चलता हूं, आप देखिएगा मार्केट में यहां से एक अपमूव आई है और अपमूव आने के बाद एक वापस डाउनफॉल आई है, डाउनफॉल के बाद हमने देखा एक और अपमूव आई, उसके बाद एक और डाउनफॉल आई और अब एक और अपमूव आ सकती है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो इसका टॉप है वो टॉप किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं 2 हफ्ते तक ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ही ट्रेड करते रहा। आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर 2 हफ्ते तक ये उसके नीचे तक कंसोलिडेट करते रहा और उसके बाद हमने एक ब्रेकडाउन देख लिया। ब्रेकडाउन देखने के बाद इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को इसने एक हम कह सकते रिस्पेक्ट दी, उसके बाद वापस ये ऊपर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरे टाइम ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट करते रहा, उसके बाद अपने लोअर लेवल के सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करी और अब एक और अपमूव आ रही है। गाइस परफेक्ट बियरिश या बुलिश मेजर्ड मूव कब बनता है अगर हम पहले बियरिश की बात करते हैं। सो गाइस पहला बियरिश परफेक्ट कब हमें पता लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है बायर सेल करने के लिए, गाइस जब एक
ट्रायंगल बनता है और वो 38 को रिस्पेक्ट देके नीचे आता है, दूसरा ट्रायंगल बनता है उसका टॉप 50% को रिस्पेक्ट देकर नीचे आता है, जो तीसरा ट्रायंगल का टॉप होता है वो 61% तक जाता है और वहां से ये पर्टिकुलर काउंटर या पर्टिकुलर स्टॉक नीचे चले जाता है। और जो इसके नीचे के लेवल्स होते हैं वो कहां तक होते हैं गाइस, इस जो पोल का टॉप और जो पोल का लो है उसका आप 50% लेकर चल सकते हैं, उस 50% का जो इसका जो पोल का जो डिफरेंस है उसका 50% तक ये पर्टिकुलर काउंटर नीचे गिर सकता है और वो गिरने के बाद वहां से हम वापस एक अपमूव देख सकते हैं या कोई नया पैटर्न डेवलप हो सकता है। इसलिए मैंने आपको अपने जो पेंट्स के अंदर समझाया था कि ये टॉप तो बनते ही बनते हैं, तीन टॉप तभी हमें एक परफेक्ट सिग्नल मिलता है बाय साइड के लिए या शॉर्ट साइड के लिए। गाइस अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर क्यों इन लोगों को बाय दिया था कैनफेनोम पे, क्योंकि मुझे पता था ये वापस अपने 61% रिट्रेसमेंट लेवल तक जाएगा और तब तक जाएगा तो हमें इस लेवल पे यानी कि हमें बाय साइड में भी फायदा हो और ये एक बियरिश काउंटर है तो हम हायर लेवल्स पे जाके इसको शॉर्ट करें तो हमें और ज्यादा अच्छा खासा फायदा इसमें मिल सके। सो गाइस इसलिए आप देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर काउंटर पे कल के दिन एक बहुत ज्यादा गिरावट आई थी और उसने एक मेजर अपने जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करा, उसके बाद वहां पर जो कुछ प्लान जो इन्वेस्टर्स थे जो या रिटेल ट्रेडर्स थे वो फंसे होंगे, उन लोगों ने सोचा होगा हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे चला गया है हम यहाँ से एग्जिट करें, और आज के दिन इसने बहुत अच्छी खासी अपमूव के साथ क्लोजिंग दी है और शायद ये वापस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, पर मुझे जो एक्सपेक्टेशंस लगती है एक या दो हफ्ते की ये वापस अपने 61% रिट्रेसमेंट लेवल तक आराम से जा सकता है गाइस, और वहां से हम इसमें परफेक्ट शॉट बनाएंगे और जो हमारे लेवल्स होंगे वो बहुत होंगे गाइस, और ये एक स्विंग ट्रेड या एक ये परफेक्ट पैटर्न है जो हम फाइंड करके चलते हैं जिससे मैं आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ गाइस। तो गाइस जिस तरीके से मैंने आपको अपनी प्रीवियस मारुति पे, जो मैंने आपको प्रीवियस हिंदुस्तान पेट्रो पे जो ये सारी कॉल्स प्रोवाइड कराई है इन्हीं पैटर्न के बेस में कराई रखी है गाइस। कैनफेनोम को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इस वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी एक ये पैटर्न सबसे पहले जाके बना सकते हैं और इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट कर रही है गाइस। सिमिलर पैटर्न जो डेवलप हुआ है वो हुआ है रेपको होम के अंदर भी, यानी कि मैं जो आपको बता रहा था कि पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर ये डेवलप हो रहे हैं, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर ये डेवलप हो रही है ये बियरिश फ्लैगशिप पैटर्न मेजर्ड मूव पैटर्न। सो गाइस ये जो पैटर्न है ये बियरिश है, मतलब यहाँ से एक अपमूव आ सकती है, थोड़ी बहुत जो हम देख रहे हैं कि जो आरबीआई इनिशिएटिव ले रही है, शक्तिकांता दास ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे इनिशिएटिव ले रही है, तो ये थोड़ा बहुत अपमूव दिखा सकती है, पर गाइस ये लॉन्ग टर्म अपमूव नहीं है, ये शॉर्ट टर्म अपमूव होगी और वहां से जो भी एक करेक्शन आएगी तो ये बहुत ज्यादा हैवी करेक्शन आ सकती है। अब इसमें भी हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये ड्रॉ करने के बाद किस तरीके से लगता है। सबसे पहले हम एक पोल बनाएंगे और उससे भी पहले हम अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइस अब देख सकते हैं यहां से मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूं, ये जो आप देख रहे होंगे कि मैंने इस लेवल को नहीं लिया गाइस, ये एक फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि अगर यहां से ये नीचे नहीं बन रहा तो गाइस यहां को भी हम एक बार ले सकते हैं जहां से ये एक बाउंस दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इस लेवल पे यहां से एक अपमूव आई पर जो आरएसआई है वो बिल्कुल इंटैक्ट था। इस लेवल पे हम देख रहे हैं कि आरएसआई में एक लोअर लेवल से रिवर्सल आ रहा है, तो इसलिए हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाई है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हम हायर लेवल्स पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर बन रहा है। अब हम यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी ड्रॉ करेंगे, सो गाइस आप देख सकते हैं कि अरे मैंने पोल बनाना भी आपको बता देता हूं कि पोल भी बनाना था हमें यहां पे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस बिल्कुल सेम बियरिश मेजर्ड मूव पैटर्न जो कैनफेन होम में हमें दिख रहा था वही हमें रेपको होम में भी देखने को मिल रहा है। अब किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से गाइस, मार्केट ने एक अपमूव दिखाई, फिर एक डाउनफॉल दिखाया, मार्केट ने वापस एक अपमूव दिखाई, फिर हमने एक डाउनफॉल देखी, अब जो अपमूव आएगी वो वापस 61.8% तक जा सकती है और वहां से पर्टिकुलर काउंटर गिर सकता है। आप देख सकते हैं इस लेवल को भी इसने रिस्पेक्ट दिया, यानी कि 38
0.2% के रिट्रेसमेंट लेवल को भी इसने रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल से एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर भी एक इसने रिस्पेक्ट दिया और वापस अपनी ट्रेंड लाइन की तरफ गई। हो सकता है गाइज कि कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल से भी नीचे गिर जाते हैं और फिर वो लोअर लेवल्स बनाने लग जाते हैं। हो सकता है गाइज ये वापस 61% तक भी जा सकता है, इसलिए हम ज्यादातर इसमें शॉर्ट साइड में ही ट्रेड लेंगे। गाइज मैंने इसमें भी अपने क्लाइंट्स को होल्डिंग दे रखी है बाय साइड में, हो सकता है कि शायद ये कल वापस यहाँ से नीचे गिर जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। पर गाइस हो भी सकता है, जिस तरीके से मैं पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ज्यादातर ये 61 तक जाते ही जाते हैं, उसके बाद एक परफेक्ट डाउनफॉल आती है। सो गाइस अगर यहाँ से मैंने अपने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड दे रखी है यानी कि 2360 के आसपास लेवल से, सो गाइस ये 500 तक भी जा सकता है और अपमूव दिखा सकता है। सो गाइस इसी तरीके से आपको और स्टॉक्स के अंदर अपनी इस पैटर्न्स को डेवलप करना होगा। सिर्फ आपको सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी अगर आप मिलाएंगे तो आप समझ जाएंगे गाइस कि किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अब मैं इस पोल को एक मिनट के लिए हटाना चाहता हूं और गाइस ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है मैं इसे भी हटाना चाहता हूं। अब आप में देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, किस तरीके से हम जैसे ट्रेडर सोचते हैं। हम देखते हैं कि गाइस यहां से तो मार्केट नीचे गिरी, गिरने के बाद वापस एक अपमूव आई है, फिर एक थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शन आया, फिर एक अपमूव आई। अपमूव जो आई उसने अपने जो इसके प्रीवियस हाइज थे उसको गाइस इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करा, वापस एक नीचे की तरफ डाउनफॉल आई और जो इसके प्रीवियस स्विंग लो थे उसकी तरफ गया ही नहीं, वहां से एक और उसने जंप ले लिया। जंप लेने के बाद क्या हो सकता है, क्या लोगों के दिमाग में आता, माइंड में आता कि गाइस ये जो दूसरी बार अब जंप लेगा वो शायद इस लेवल के ऊपर निकल जाए और इस ट्रेंड लाइन को या इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे और नए हाइज बना ले। पर गाइस अगर आप ये सिंपल एक पोल बना लेते तो आप पता लग जाता गाइस कि ये एक बियरिश मेजर्ड मूव पैटर्न है और वहां तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, उल्टा यहां से नीचे गिर के एक शार्प फॉल देगी। सो गाइस ये कुछ चीजें बनती हैं कि हमें बिल्कुल कॉशियसली इसको ध्यान से देखना पड़ेगा वरना हम लोग अपना पैसा डुबा पाएंगे। गाइस अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो गाइस हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत सी नॉलेज ध्यान से समझने को मिलेगी कि अगर एक पैटर्न बन रहा है तो अगर उसके बदले दूसरा पैटर्न भी साइड में बन रहा होगा तो हमें दोनों को मिला के देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें अपना ट्रेड लेना होगा। सो गाइस हम लोग आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। उससे आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपके पास मेरी जो वीडियोज अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसको आप खोल के मेरी वीडियोस की सारी एजुकेशनल नॉलेज को प्रोवाइड से या ध्यान से देख पाके अपनी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर पाएंगे। गाइज कोई भी यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो ये स्टॉक मार्केट के बारे में प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि गाइज वो लोग बहुत ज़्यादा एपिक में वीडियोस अपलोड करते हैं, यानी कि कोई भी फालतू वीडियोस बनाते रहते हैं अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। पर गाइस मैं राइट टाइम पे आपके लिए राइट चीजें के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं कि निफ्टी पे मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि लगातार 3 या 4 दिन मार्केट गिर सकती है, 11,090 का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे ये लेवल दे रखा था कि यहां से आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। गाइस बिल्कुल वही हुआ। सो गाइस जो भी मैं आपको स्विंग ट्रेड्स दे रहा हूं बिल्कुल सेम तरीके से ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको आराम से सिखाएंगे और सिखाने के बाद आप एक खुद सेल्फ ट्रेडर भी बन सकते हैं, उसके बाद आप खुद भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आप मुझे उल्टा स्टॉक्स भी रिकमेंड कर पाएंगे बाद में कि सर हम आपको ये स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, आप इसे वॉच करिएगा। और गाइज मैं उसको वॉच भी जरूर करूंगा। सो कमेंट सेक्शन में घुस जाइएगा इसके बाद और मुझे बताना शुरू कर दीजिएगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर ये पैटर्न डेवलप हुआ है और नेक्स्ट मैं कौन से पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊं या नेक्स्ट सीरीज किसके ऊपर बननी चाहिए और ये आपको समझ में आया नहीं आया। किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन होगी, तो वो गाइज मुझे मैसेज डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा या मैं आपसे व्हाट्सएप या फोन पे भी बात कर लूंगा और उन्हें इजिली समझा दूंगा अगर उनके लैपटॉप के सामने चार्ट ओपन होगा तो। सो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में सब बंदे के मुझे चाहिए कमेंट्स कि इन लोगों को ये वीडियोस या ये पैटर्न के बारे में समझ आया या नहीं आया।
सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली पैटर्न के साथ या नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।